भारत और इंग्लैंड के बीच में 29 तारीख को वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन कर रही है और लगातार तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो 5 मैचेस जीत चुकी है अभी वर्ल्ड कप के, सिर्फ एक मैच चाहिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और भारतीय टीम जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंग्लैंड के खिलाफ वो जीत हासिल हो और वो डायरेक्ट सेमीफाइनल का टिकट कटवा ले। आपको बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम की एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन हुई थी, उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने हिस्सा नहीं लिया था, वो लोग होटल में थे, लेकिन बाकी सारे जो खिलाड़ी थे जैसे रविंद्र जडेजा हो गए, ईशान किशन, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, ये सारे जो खिलाड़ी थे ये हमें ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जिसमें से शुभमन गिल का जो शॉट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। शुभमन गिल जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे वो लाइमलाइट रहे पूरे प्रैक्टिस सेशन के, हालांकि ईशान किशन ने प्रैक्टिस करी, जडेजा ने प्रैक्टिस करी है, लेकिन शुभमन गिल का जो प्रैक्टिस सेशन था वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। वो इसलिए क्योंकि शुभमन गिल जो थे पहले तो स्टार्टिंग में अपने नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, छक्के चौके लगा रहे थे नेट्स में, लेकिन उसके बाद से शुभमन गिल ने सपोर्ट स्टाफ को, एक सपोर्ट स्टाफ के मेंबर को बुलाया और उनसे बोला कि आप मुझे जो कॉस्को की बॉल होती है टेनिस रैकेट से फेंकिए, क्योंकि जब कॉस्को की बॉल जो होती है वो टेनिस रैकेट से आती है तो कम से कम 150 की स्पीड से आती है, बहुत तेज़ी से आती है वो, और उस पर बल्लेबाज को शॉट्स लगाने होते हैं। और वो सारे जो शॉट्स थे शुभमन गिल ने इतने शानदार शॉट्स लगाए, उन बॉल्स पे पुल शॉट लगाया, शॉर्ट आर्म जैब जो कि बहुत ही पसंदीदा शॉट है शुभमन गिल का, हमेशा ही शुभमन गिल जो होते हैं शॉर्ट बॉल पे पुल शॉट लगाते हुए माने जाते हैं। अगर रोहित शर्मा के बाद अगर किसी भी इंडियन क्रिकेटर का पुल शॉट अच्छा लगता है, बहुत लोग देखते हैं कि शुभमन गिल का पुल शॉट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उन्होंने कॉस्को की बॉल पर बहुत ज़्यादा पुल शॉट लगाया, शॉर्ट आर्म जैब की प्रैक्टिस करी और लगभग आधे घंटे 35 मिनट तक ये जो प्रैक्टिस थी उनकी चलती रही। और छोटी बॉल पर जो कि काफ़ी मतलब हाइट से उनके थोड़े ऊपर भी जा रही थी, कुछ बॉल्स उनकी गर्दन के ऊपर जा रही थी, उस पर भी शॉट्स लगाए हैं, क्योंकि शुभमन गिल की ये खासियत रही है, उनकी स्ट्रेंथ रही है कि छोटे बॉल पे पुल बड़े अच्छे से लगाते हैं, तो जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने की शुभमन गिल ने कोशिश करी है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेशन वो हुआ है, क्योंकि अभी शुभमन गिल जो है वो डेंगू से वापसी करी, उन्होंने 2 मैच स्टार्टिंग के खेले नहीं थे, पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो 16 रन बना के आउट हो गए, हालांकि एक उनकी अर्शदकी पारी आई जरूर थी बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन उसके बाद से फिर जो वो मुकाबला खेले उसमें वो 26 रन बना के आउट हो गए थे, तो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं जा रहा है शुभमन गिल का वर्ल्ड कप, लेकिन हो सकता है कि अब इंग्लैंड के खिलाफ हमें हो सकता है कि उनकी देखने को मिल जाए एक अच्छी पारी, हो सकता है शतक भी देखने को मिल जाए। आपके शुभमन गिल कितने ज़्यादा फेवरेट है और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इंडिया और इंग्लैंड के मुकाबले के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।